पावरफुल है एंड फुल कॉमेडी मूवी है, फुल फैमिली मूवी है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर देखने जाइएगा और आप फुल इन्जॉय करें। कुत्ते की तो नॉर्मली हम उनको बोलते हैं जो मतलब सीधा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़े काम करते रहता है कि भाई सुधरेगा नहीं। जी जी जी, आपका किस तरह का किरदार है एक्चुअली, ये इस तरह का किरदार है कि जो बार बार वही चीज़ें दोहराते रहता है, उसके बारे में बताइए। मेरा किरदार बहुत ही भोला है जो कि भाइयों के पीछे लग के गलत कामों में पड़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बहुत कुत्तापन है, तो बहुत जल्दी वो एक अच्छे कामों में आ जाता है। मैम, योर इंट्रोडक्शन एंड आपके किरदार के बारे में जानना। मेरा किरदार इसमें बहुत बबली टाइप का है, बाकी आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ भी तो जानना चाहेंगे, आप कॉमेडी कर रहे हो, सीरियस हो, स्टूडेंट हो, क्या है? थोड़ा बहुत कॉमेडी है और बहुत एट्रैक्टिव भी है, तो अभी आपको बाकी मूवी देख के ही पता लगेगा, वरना आप मूवी देखने कैसे जाओगे? कैसे भी ये फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट जब आपके पास आया था तो व्हाई डिड यू एग्री टू डू दिस? मैं एक कोरियोग्राफर थी, हमेशा मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पर काम करने की। तो पटियाला में जब पंजाब में ऑडिशंस हुए थे, तो पटियाला में ऑडिशन था, मुझे एज अ कोरियोग्राफर बुलाया गया था। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे, जब मैं उनसे मेरा मीटिंग हुआ तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा सीन करने के लिए कहा कि आपको एक छोटा सा सीन करना है फिल्म के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे छोटा सा सीन मिलने वाला है फिल्म में। देन मैंने वो ऑडिशन क्लियर किया, मेरा वहाँ ऑडिशन लिया, देन आई कांट बिलीव मुझे मेन हीरोइन का ब्रेक मिला। सो मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं थी, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई मेन हीरोइन बनने। मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, मैं एक डांस कोरियोग्राफर थी, एक डांस अकेडमी चला। जी मैंने 5th क्लास में पहले एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, भाषण प्रतियोगिता में, और उसके बाद मैंने आफ्टर प्लस टू थिएटर ज्वाइन किया। एंड देन मेरे को पता चला कि कुत्ते की धूम मूवी का जो है ऑडिशन नाभा में होने जा रहा है, तो मैंने ऑडिशन में हिस्सा लिया। प्रोड्यूसर मैम और डायरेक्टर सर ने ऑन द स्पॉट मेरे को सिलेक्ट किया एंड देन मेरे को मूवी मिली। मैं बहुत लकी समझता हूँ और थैंकफुल हूँ सत्येंद्र त्रिपाठी सर प्रोड्यूसर एंड सोनिका पटेल मैम, सनम पटेल मैम, डायरेक्टर सर सुनील पटेल का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया, और थैंक यू सो मच। जी इस मूवी में टोटल 4 गाने हैं, बाकी इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, आप सब इन्जॉय करो। जी जी ये फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में शूट की गई है और 12 डेज में इसका शूट कंप्लीट किया गया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। फिल्म के दौरान मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहूँगी कि मैंने जैसे कि बताया पहले मैं एक कोरियोग्राफर थी, तो मैंने बहुत से शूट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट लोग से बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करवाते, बहुत डांटते हैं या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अपनापन लगा, मतलब जो प्रोड्यूसर मैम है मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल फील नहीं हुई, और डायरेक्टर सर मुझे कभी मेरे पिता की कमी नहीं फील हुई, अपने बच्चों की तरह मुझे हमेशा ऐसे समझाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा मैं यही आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने इस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ के। ऐसा लग रहा था जैसे एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली ज्वाइन किया, तो पूरी टीम ने एक फैमिली की तरह काम किया। बिल्कुल। लोग कुत्ते की धूम क्यों देखना चाहेंगे? जी फुल कॉमेडी मूवी है, फैमिली मूवी है, पूरा सस्पेंस थ्रिलर है, और आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। या मैम, व्हाट वुड यू से, व्हाई शुड पीपल गो टू वॉच कुत्ते की धूम? एक्चुअली कुत्ते की धूम ऐसी मूवी है जो आप अपने परिवार के साथ भी देखने जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमेडी है, रोमांस है, थोड़ा हॉरर भी है,
ड्रामा है, तो इसको बहुत इंजॉय करोगे और इससे एक सीख भी मिलेगी। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स जी, मेरा नाम सनी चावरिया है। इस फिल्म में मेरा बेनी लाल बेंगू का कैरेक्टर है। कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पूरी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर जो कि पूरी ऑडियंस को बांध कर रखेगा। फिल्म बहुत सुपर डुपर फिल्म है, सो दोस्तों आप जरूर देखिए। सर आप बताइए आपका। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राज रहमान अली है। माय कैरेक्टर नेम है संतोष। यहाँ पे जो राज खुला गया जैसे मेरे नाम की तरह, वो उस पोस्टर में जो नकाब वाला बंदा है वो मैं ही हूँ। तो चेहरे का नकाब तो खुल गया, ये राज खुल चुका है। तो इस कैरेक्टर का क्या क्या गेम है इस फिल्म में, क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, तो वो चीज़ आप लोग फिल्म देखते ही समझ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ अपने कैरेक्टर का डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा। आप सभी से और जनता से आपके थ्रू से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। यू गॉना लव इट, यू गॉना एंजॉय इट विद योर फैमिली विद योर किड्स। So it's really amazing. Please go and watch it. Okay, sir. What about you? Yeah. Good evening, everyone, and thank you so much for coming and blessing us with your presence. मेरा कैरेक्टर बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही नौटंकीबाज, जुगाड़ू, बहुत ही ओपन, बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है, बहुत मतलब बहुत लाउड कैरेक्टर है मेरा। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे कैरेक्टर करते हुए। एंड या प्लीज़ मूवी देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनिंग मूवी, इट्स हॉरर कॉमेडी और सबके लिए, कोई भी इसका जा सकता है, बच्चे बुजुर्ग कोई भी जा सकता है। एंड या इट्स अ गुड मूवी। थैंक यू सर। या हाय सर, सबसे पहले तो ये जो इसका जो टाइटल है कि तुम बहुत ही आकर्षित करता है हमें एक्चुअली, कैसे सूझा ये टाइटल और व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, लाइक इन ऑल अबाउट? मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की और उससे बहुत कुछ सीखा, और वो गलतियाँ सीख के मैं ट्राई किया कि रिपीट ना करूँ। कई बार रिपीट हो भी गई। फाइनली मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं शायद कल भी सीखते ही रहूँगा। बट इससे एक प्रोसेस मुझे समझ में आया कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी का एक स्ट्रगल है, और जो बार बार मिस्टेक दोहराता है वही कुत्ते की। मैं आपको करना चाहूँगा सुनील जी, क्योंकि एक गलती हम लोग और देखते हैं स्क्रीन पे। गलती नहीं हो। एक बार हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या है। आपकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, आपको आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, निर्देशक हो, डायलॉग राइटर हो, हाउ वाज दिस एक्चुअली मेरी बात? मैं असिस्टेंट था तभी से, अजीज भाई के साथ मैं म्यूजिक सेटिंग में बैठता था और उनके म्यूज़िक के लिए अजीज भाई मुझे खुद भी बोलते थे गाना कैसा है, रखना चाहिए कि नहीं। तो एज एन असिस्टेंट मेरा म्यूज़िक में बहुत ध्यान था। और आप फिल्म मेकिंग देखो तो टोटल विजुअल और साउंड के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीज़ में मैंने स्टार्ट से ही सीखना शुरू किया। मेरा जोनर ही है। मैं जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी करता हूँ, ये ऑटो हो जाता है, ऑटो मोड पे हूँ मैं कॉमेडी। बहुत बहुत अच्छा लगा नए लोगों के साथ काम करके। इनफैक्ट मेरा ये विजन था कि मैं इंडिया के हर कॉर्नर से, जैसे ये एक बंदा अपना राज रहमान अली उड़ीसा से, अपना ललित सिंह राव ये राजस्थान से, जस बोपर आए ये पंजाब से, मैं घूम रहा था। मुझे बेस्ट एक्टर्स चाहिए, मुझे चाहिए थे कि टीनेजर के सब्जेक्ट है ये, और मुझे ऐसे फाड़ू एक्टर चाहिए कि भाई तोड़ डाले उस स्क्रीन पर। दे वेर माइंड ब्लोइंग व्हाट आई शोड देम, दे गिव मी 200%। इसके लिए मैं कंप्लीटली खुदा को ही बोलूँगा कि खुदा ने मुझे पहले दिन से ऐसी जगह रखा। मेरे गुरुजी का नाम था अजीज सजवार, पहले उन लोगों की फिल्म आपने देखी इलाका, शतरंज, माफिया, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, उनका भी होल्ड बड़ा कॉमेडी में ज़बरदस्त था। तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया ऐसा डायरेक्टर जिसके अंडर में मैं काम किया, प्लस उनके एक्टर्स जैसे चीची भैया, गोविंदा, हाय हाय क्या सीखने मिलता था।
मतलब लिटरली कान पकड़ के बोलता हूँ, गुरुओं के साथ में था। ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लाइफ में कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला, और मेरे अंदर जो हुनर खुदा ने ऑलरेडी दिया था उसको इस वजह से पॉलिश हुआ। जी, गाने मैंने इसमें हर टाइप के रखे, और कॉमेडी को मैंने फोकस गानों पे नहीं किया, मोर ऑफ स्टोरी पे किया हुआ है, जो मेरी स्टोरी लाइन कह रही है। इट्स अ वेरी सीरियस लाइन, बट आई हैव टोल्ड इन वेरी कॉमेडी। एंड देर आर फोर सॉन्ग्स, सॉरी देर आर फोर सॉन्ग्स, आपका एक क्वेश्चन रह गया था ना, देर आर फोर सॉन्ग्स इन द मूवी एंड ऑल आर डिफरेंट। मुझे यहाँ फंक्शन में लिया है, ये कुत्ते की दुम मैंने वैसे देखी हुई है घरों में भी इधर उधर, लेकिन ये क्या कुत्ते की दुम बनेगी वैसे तो ये मुहावरा, वैसे तो ये मुहावरा है कि कुत्ते की दुम है, लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एज फार एज आई फील नाउ, कि भगवान करे अच्छी बने, लोग हंसें और पिक्चर सुपर हिट। भगवान मेरी लाज रखना बस, और कुछ नहीं, गॉड विल टेक केयर ऑफ एकदम, आई एम गॉड्स चाइल्ड टेक केयर ऑफ। क्योंकि हम भी क्या क्या थे, कुछ भी नहीं थे, काम किया, मेहनत किया, लोगों ने प्यार दिया, सराहा, तो आज यहाँ खड़े, अदरवाइज कुछ नहीं होता, इसलिए तो सब उधर वाले ऊपर वाले के हाथ में। मेरा अभी सुना नहीं है इनका म्यूजिक, मेरी फिल्मों का म्यूजिक के बारे में मुझे पता है, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक दे आर हैविंग इट। इट्स अ लाइट फिल्म एज फार एज आई थिंक, इट्स अ कॉमेडी फिल्म और समथिंग फनी, तो उसमें म्यूजिक भी वैसा ही होगा, लेकिन पहले जैसी बात संगीत की थी जिसको बच्चे बूढ़े औरतें सब गुनगुनाते थे, ऐसा संगीत तो आ नहीं रहा है। कुछ गाने आते हैं कभी कभार, लेकिन पहले हर फिल्म के गाने हिट होते थे। आप आवारा बरसात से देख लीजिए, महबूब साहब की फिल्म देख लीजिए, गुरुदत्त साहब की देख लीजिए, तो हर गाना हिट होता था, और गाने में इतना दम होता था कि लोग खींचे चले आते थे फिल्म में। आज संगीत नाम की चीज़ जो हमारे देश का बेसिक पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने वाली चीज़ है, शादी में संगीत, बर्थडे पे संगीत, पार्टीज में संगीत, फंक्शन में संगीत, हर जगह संगीत ही संगीत होता है, तो व्हाई नॉट इन फिल्म्स नाउ, वी आर ट्राइंग टू अमेरिकन फॉर नथिंग। ये तो वैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, वेरी सून आई लॉन्च माई फिल्म एंड आई विल सी ऑल योर फ्रेंड्स देयर अगेन, लेकिन अभी मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो बेकार बात लगेगी, एंड आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट, बट इफ आई विल मेक दिस टाइम आई विल मेक ए म्यूजिकल लव स्टोरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।